हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सरफेस कंडेंसर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंडेंसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये कितने टाइप का होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर शब्द बना है कंडेंसेशन से। किसी भी पदार्थ की वेपर अवस्था को लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंडेंसर एक ऐसी हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस है जो किसी भी पदार्थ को गैस या वेपर अवस्था से लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करता है। अब हम जानेंगे कि सरफेस कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर दो टाइप के होते हैं, सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर। आज की वीडियो में हम सरफेस कंडेंसर के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम जेट कंडेंसर के बारे में जानेंगे। तो सरफेस कंडेंसर के अंदर जो स्टीम या कूलिंग वाटर होता है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होता है और इसी कारण से इसको हम नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी कहते हैं। सरफेस कंडेंसर का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे कि पानी में चलने वाला जहाज। इस टाइप के कंडेंसर का ये फ़ायदा होता है कि हम एक ही पानी को बार बार बॉयलर में भेज सकते हैं और जो भी हमारा कंडेंसेट यानी कि जो स्टीम हमारी कन्वर्ट होकर पानी बन गई है उसको हम बार बार बॉयलर में स्टीम बनने के लिए भेज सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सरफेस कंडेंसर कैसा होता है। अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इस तरीके से ये कंडेंसर देखने को मिलेगा। आप इसके पार्ट्स भी देख सकते हैं। यह है हमारा वेजल या सेल, यह है हमारा वाटर ट्यूब, यह है एग्जॉस्ट स्टीम इनलेट, यह है वाटर आउटलेट, यह है बेफल प्लेट, यह है कूलिंग वाटर इनलेट, यह है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, यह है कंडेंसेट आउटलेट, यहाँ पर है हमारी ट्यूब प्लेट। अब हम जानेंगे कि सरफेस कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरफेस कंडेंसर कई तरीके के हो सकते हैं। तो पहला है एयर कूल्ड, जिसके अंदर नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन आता है। सेकंड है वाटर कूल्ड, जिसके अंदर ट्यूब इन ट्यूब, शेल एंड कॉइल टाइप, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर आते हैं। और इसके अलावा होते हैं हमारे डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर, सेंटर फ्लो सरफेस कंडेंसर, इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर, रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर और इवोपरेटिव सरफेस कंडेंसर। इन सभी कंडेंसर के बारे में हम आगे डिटेल में एनिमेशन और पिक्चर की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कंडेंसर का काम होता है किसी भी स्टीम को, किसी भी वेपर को या किसी भी रेफ्रिजरेंट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। और इसके लिए एक प्रोसेस होती है हीट एक्सचेंजिंग की प्रोसेस, यानी कि जो हमारी हीट है किसी भी गैस की, वेपर की या रेफ्रिजरेंट की, वो हीट हम किसी कूलिंग मीडियम को देते हैं और ये कूलिंग मीडियम हमारा एयर हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। अगर हमारा कूलिंग मीडियम एयर है तब इस टाइप के कंडेंसर को हम एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। तो एयर कूल्ड कंडेंसर हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर क्या होते हैं। इस टाइप के कंडेंसर के अंदर जो हमारा कूलिंग मीडियम जो कि एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, यानी कि हमारे आसपास की एयर की मदद से ही जो कंडेंसर है उसके अंदर बहने वाली गैस या वेपर ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और इस टाइप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घर में यूज़ होने वाला रेफ्रिजरेटर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आपने घर का फ्रिज देखा होगा
तो आपको उसके पीछे की तरफ इस तरीके का ही अरेंजमेंट दिखाई देता होगा। तो आप देख रहे हैं, यह है हमारी कॉइल जिसके अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है और इसके आसपास ही हमारी घर के अंदर बहने वाली जो एटमॉस्फेरिक हवा है वो रहती है और वही हवा इस रेफ्रिजरेंट की हीट को अपने तरफ एब्जॉर्ब करती है और ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है फिर से कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने ये देखा भी होगा, अगर हम फ्रिज के पीछे की ओर जाते हैं तो हमको गर्म सा महसूस होता है। अगला है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। इस टाइप के कन्वेक्शन के अंदर हमको हवा का फ्लो बढ़ाने के लिए एक पंखा या ब्लोअर की ज़रूरत होती है और इस टाइप का जो कन्वेक्शन होता है नेचुरल कन्वेक्शन से ज़्यादा इफ़िशेंट होता है क्योंकि इससे एक तो एयर की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है और उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है जिससे जो कूलिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। इस टाइप का जो कन्वेक्शन होता है उसमें जो कॉयल होती है कंडेंसर की वो ज़्यादातर कॉपर की बनी होती है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा डोमेस्टिक डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर और एयर कंडीशनर। अगर किसी के घर में एयर कंडीशनर होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारी एक एक्सटर्नल यूनिट होती है वहाँ पर हमारा फ़ैन लगा होता है और उस फैन के पास खड़े होने पर हमको गरम गरम महसूस होता है। तो इस पिक्चर में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एयर का फ्लो बढ़ाने के लिए एक नीचे फैन दे रखा है और यहाँ से हमारी गर्म स्टीम या रेफ्रिजरेंट आता है और ये जो एयर है इस पर जाती है और इसको ठंडा करती है और बाद में ये जो हमारी एयर है इसके कॉन्टेक्ट में आकर गर्म हो जाती है जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है या स्टीम है वो ठंडी होकर फिर से कंडेंसेट आउटलेट में आ जाती है। इसके बाद आता हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर। अगर हमारा कूलिंग मीडियम वाटर है तब इस टाइप का कंडेंसर कहलाएगा वाटर कूल्ड कंडेंसर और इस टाइप का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट या स्टीम पावर प्लांट। तो इस टाइप के कंडेंसर में तीन टाइप के कंडेंसर आते हैं, ट्यूब इन ट्यूब, शेल एंड कॉइल टाइप, सेल एंड ट्यूब टाइप। अब हम इसको आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला है ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर। इस टाइप के कंडेंसर के अंदर दो ट्यूब होती हैं। पहली होती है हमारी इनर ट्यूब जिसके अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट स्टीम या वेपर फ्लो करती है और इसके बाहर की ओर एक और ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ट्यूब और उस एक्सटर्नल ट्यूब और इंटरनल ट्यूब के बीच में जो गैप रहेगा उसके अंदर फ्लो करता है हमारा पानी और इस कंडेंसर के अंदर हमारा पानी का फ्लो और रेफ्रिजरेंट या स्टीम का फ्लो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ताकि जो कूलिंग की प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके और इसको आप इस पिक्चर में आसानी से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो है हमारी इनर ट्यूब है जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ से पानी जा रहा है और आप यहाँ देखेंगे ये है हमारी आउटर ट्यूब और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक गैप है। तो पानी क्या है, यहाँ से अंदर जाता है और इस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाता है और आप देखेंगे यहाँ से रेफ्रिजरेंट या स्टीम का इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है और जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर पानी और रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है और इस प्रक्रिया के दौरान पानी रेफ्रिजरेंट या स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब करता है और गर्म होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद है शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। इस टाइप के कंडेंसर के अंदर एक शेल होता है जो कि वेल्डेड स्टील का बना होता है और इसके अंदर एक
कॉयल होती है। जो कॉयल होती है उसके अंदर पानी फ्लो करता है और जो हमारा रेफ्रिजरेंट या स्टीम है वो शेल के अंदर फ्लो करती है और इस दौरान दोनों के बीच में हीट एक्सचेंजिंग की प्रोसेस होती है और जो हमारा स्टीम या रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस डायग्राम में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे यह है शेल और ये जो नीले कलर की है यह है कॉयल। तो इस कॉयल के अंदर यहाँ से कूलिंग वाटर आ रहा है और ऊपर से आप देखेंगे हमारी हॉट स्टीम गैस या रेफ्रिजरेंट आ रहा है। जब ये रेफ्रिजरेंट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो इस कॉयल के कॉन्टैक्ट में आता है जिसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस के दौरान जो हमारी गर्म स्टीम वेपर या रेफ्रिजरेंट है वो कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से बाहर चली जाती है और ये जो पानी है इसकी हीट लेकर गर्म हो जाता है और यहाँ से कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए चला जाता है। इसके बाद आता है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। इस टाइप के कंडेंसर के अंदर एक शेल होता है और इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं। इस ट्यूब के अंदर हमारा पानी फ्लो करता है और कुछ कंडेंसर ऐसे भी होते हैं कि ट्यूब के अंदर स्टीम भी फ्लो करती है, वो एज पर रिक्वायरमेंट होता है। और जब इस ट्यूब के अंदर पानी फ्लो करता है और शेल के अंदर स्टीम फ्लो करती है तो दोनों के बीच हीट एक्सचेंजिंग की प्रोसेस होगी और स्टीम अपनी हीट इस पानी को दे देगी और कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम वापस से बॉयलर में भेज देंगे। और जो हमारा पानी है वो इस स्टीम की हीट को लेकर गर्म हो जाएगा जिसको हम कूलिंग टावर में भेज देंगे जहाँ पर वो पानी ठंडा होगा और फिर से इस कंडेंसर में वापस आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। यह है हमारा ट्यूब जिसके अंदर हमारी पानी या स्टीम फ्लो करेगा। ज़्यादातर केस में हम ट्यूब में पानी ही फ्लो कराते हैं, आप देखेंगे। और यह है हमारा शेल। इस एनिमेशन में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर की हैं ये ट्यूब्स हैं और ये वाइट कलर से पानी फ्लो कर रहा है और ये ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर स्टीम आ रही है और जैसे जैसे स्टीम नीचे आती है वो ठंडी होती जाती है और यहाँ से कंडेंसेट के रूप में यानी कि लिक्विड के रूप में बाहर निकल जाती है और ये जो पानी है धीरे धीरे यहाँ से गर्म होकर बाहर चला जाता है कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आधार पर जो कंडेंसर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो इस आधार पर हमारे जो कंडेंसर हैं वो पांच टाइप के होते हैं, डाउन फ्लो, सेंटर फ्लो, इन्वर्टेड फ्लो, इवोपरेटिव एंड रीजनरेटिव। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर होता क्या है। इस टाइप के सरफेस कंडेंसर में जो स्टीम होती है वो शेल के टॉप साइड से अंदर जाती है और इसका जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड साइड होता है। और जो हमारा कंडेंसेट पंप और एयर एक्सट्रैक्शन पंप होता है वो नीचे की तरफ लगे होते हैं। जब ये स्टीम फ्लो करती है तो उसका जो फ्लो होता है वो वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर होता है और इसी कारण से इस कंडेंसर को हम क्रॉस सरफेस कंडेंसर भी कहते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है और यहाँ पर इसका साइड व्यू दिखा रखा है। तो आप देखेंगे ये ट्यूब है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है और ऊपर से स्टीम आ रही है और इसका फ्लो नीचे की तरफ है और धीरे धीरे जब ये नीचे आती है तो यहाँ पर लिक्विड के रूप में जमा होकर बाहर चली जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एयर एक्सट्रैक्शन पंप भी लगा है। ये जो है एयर एक्सट्रैक्शन पंप है और जो पानी का फ्लो है वो नीचे से जाता है और ऊपर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद आता हमारा सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। इस टाइप के कंडेंसर के अंदर जो स्टीम है वो कंडेंसर के टॉप सेंटर करती है और नीचे की तरफ
फ्लो करती है, लेकिन इसमें जो हमारा एयर एक्सटेंशन पंप है वो कंडेंसर के सेंटर में लगा होता है, जिसके कारण से जो स्टीम का फ्लो होता है वो रेडियली इनवर्ट होता है, और इसके अंदर जो कंडेंसेट है वो हम कलेक्ट करते हैं कंडेंसर के बॉटम में, जिसको आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये कंडेंसर है, इसमें जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप है वो बीच में लगा है और स्टीम जो है वो ऊपर से आ रही है। तो जो स्टीम होगी वो इसके रेडियली इन्वर्ट होकर इन ट्यूब्स के कॉन्टैक्ट में आएगी और ठंडा होने के बाद नीचे जो हमारा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है उसके द्वारा फिर से बॉयलर में भेज दी जाएगी, और जो हमारा पानी है वो नीचे से जा रहा है और ऊपर की ओर आउटलेट हो रहा है। इसके बाद आता है इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर। इस टाइप के कंडेंसर में जो स्टीम होती है वो नीचे से एंटर करती है और जो हमारा एयर एक्सटेंशन पंप है वो ऊपर लगा रहता है, लेकिन इसके अंदर जो स्टीम है हमारी नीचे से फ्लो करने के बाद ऊपर जाती है और टकरा कर फिर से नीचे आती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एयर एक्सटेंशन पंप है ऊपर लगा हुआ है और जो स्टीम का इनलेट है वो यहाँ से है, तो स्टीम यहाँ से जाती है और यहाँ पर टकराने के बाद फिर से नीचे आती है और ठंडा होकर यहाँ पर कंडेंसेट के रूप में जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से इसे हम बॉयलर में भेज देते हैं, और इसमें जो पानी का फ्लो है वो नीचे से होता है और ऊपर आउटलेट होता है। इसके बाद आता है हमारा इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर। ये जो कंडेंसर है इसमें जो कूलिंग होती है वो एयर के द्वारा भी होती है और वाटर के द्वारा भी होती है, तो इसमें हमारा जो कूलिंग होती है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस टाइप के कंडेंसर के अंदर हमारे ग्रिल टाइप होते हैं जिसके ऊपर हम पानी की फुहार करते रहते हैं और साथ ही में एक हमारा पंखा भी लगा होता है जो कि एयर का फ्लो भी कंटिन्यू करता रहता है, जिसको आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे ये है हमारी कंडेंसिंग कॉयल जिसके अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट या स्टीम अंदर जाती है, और आप देखेंगे यहाँ से पानी का स्प्रे हो रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पर लगा है हमारा एक पंखा जहाँ से एयर का फ्लो भी हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे एयर से भी कूलिंग हो रही है और पानी से भी कूलिंग हो रही है, और ये जो हमारा कंडेंसेट है वो यहाँ से आउटलेट हो रहा है, यानी कि जो स्टीम थी या रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से इसका आउटलेट हो गया, लेकिन जो हमारा पानी है वो गर्म होने के बाद इस वाटर टैंक में जमा हो जाता है। कुछ पानी इवोपरेट या स्टीम बनकर वापस जाने की कोशिश करता है, तो उसको बचाने के लिए वाटर एलिमिनेटर प्लेट्स भी लगाए हैं ताकि ये पानी फिर से वापस आ जाए। और इस फैन में आप देखेंगे ये जो हवा है इसके कांटेक्ट में आकर गर्म हो जाती है और यहाँ से हमारी गर्म हवा बाहर चली जाती है, और यहाँ आप देखेंगे एक मेकअप वाटर अरेंजमेंट भी लगा हुआ है। ये जो पानी है समय के साथ कम होता रहता है और गर्म भी होता रहता है, तो इसलिए इसकी मात्रा को बराबर रखने के लिए एक मेकअप वाटर अरेंजमेंट रखा जाता है, और ये जो पानी है फिर से पंप की मदद से यहाँ पर स्प्रे के रूप में अपना काम करता रहता है। इसके बाद है हमारा रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर। ये सरफेस कंडेंसर बाकी कंडेंसर की तरह ही है, लेकिन केवल एक फर्क है कि इसके अंदर जो स्टीम है या कंडेंसेट है उसको हम फिर से एग्जॉस्ट स्टीम के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर उसको बॉयलर में भेजते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो फ्यूल का खर्चा है वो बच जाता है और जो हमारे बॉयलर की इफ़िशेंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो आई होप आपने जाना होगा
सरफेस कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।